12 जनवरी 1863 को जन्मे नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी कही एक एक बात हमें ऊर्जा से भर देती है और हमें जीने की राह दिखाकर जीवन में सफल होने की अपार शक्ति देती है। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ स्वामी विवेकानंद के कुछ ऐसे ही विचार शेयर करने जा रहे हैं। क्या आप युवा हैं? युवा वो है जो अनीति से लड़ता है, दुर्गुणों से दूर रहता है, जो बातों का बादशाह नहीं बल्कि करके दिखाता है, जिसमें जोश के साथ होश भी होता है, जो काल की चाल को बदल देता है। कभी ना मत कहो, कभी ना मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, सभी शक्ति आपके भीतर है, आप कुछ भी कर सकते हैं। वो कायर है जो कहता है ये किस्मत है, वो मजबूत है जो खड़ा होकर कहता है मैं अपना भाग्य खुद बनाऊंगा। एक विचार लें, उस एक विचार को अपना जीवन बनाएं, इसे सोचें, उसका सपना देखें, उस विचार पर जिएं। मस्तिष्क, मांसपेशियों, तंत्रिकाओं, अपने शरीर के हर हिस्से को इस विचार से परिपूर्ण रखें और हर दूसरे विचार को छोड़ दें। ये सफलता का मार्ग है। दुनिया क्या सोचती है उन्हें सोचने दो, आप अपने इरादे मजबूत रखो, दुनिया एक दिन आपके कदमों में होगी। जो भी आप सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। यदि आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप कमजोर बन जाएंगे, यदि आप अपने आप को मजबूत मानते हैं तो आप मजबूत बन जाएंगे। अगर किसी दिन आपके सामने कोई समस्या नहीं आती तो आप समझ जाएं कि आप गलत रास्ते पर हैं। सभी शक्ति आपके अंदर है, उस पर विश्वास करो, कभी खुद को कमजोर ना समझें, खड़े हो जाओ और अपने भीतर की ताकत को पहचानो। जब तक जीना तब तक सीखना, क्योंकि अनुभव ही जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक है। दुनिया मजाक करे या तिरस्कार, उसकी परवाह किए बिना मनुष्य को अपना काम करते रहना चाहिए। अपनी क्षमताओं के स्तर तक अपना लक्ष्य कम ना करें, इसके बजाय अपनी क्षमताओं को अपने लक्ष्यों की ऊंचाई तक बढ़ाएं। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां पहले से ही हमारे अंदर हैं, हम खुद ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और कहते हैं कि कितना अंधेरा है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। विनम्र बनो, साहसी बनो, शक्तिशाली बनो, उठो और तब तक नहीं रुको जब तक कामयाब ना हो जाओ। जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी आपको शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से कमजोर बनाता है, उसे अपने जीवन से निकाल दो। जब आप व्यस्त होते हैं तो कुछ कुछ आसान लगता है, लेकिन आलसी होने पर कुछ भी आसान नहीं लगता। दिल और दिमाग की लड़ाई में हमेशा दिल की सुननी चाहिए। किसी और के लिए इंतजार ना करें, जो भी आप कर सकते हैं उसे करें, किसी दूसरे पर अपनी उम्मीद ना बनाएं। एक समय में एक ही काम करो और इसे करते हुए अपना सब जोर इसमें डाल दो। मन की शक्ति सूरज की किरणों की तरह होती हैं, जब वे एक जगह केंद्रित होती हैं तो वे चमक उठती हैं। हर विचार जो आपको मजबूत करता है उसे अपना लेना चाहिए, और हर विचार जो आपको कमजोर बनाता है उसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हमारी ही मानसिकता दुनिया का निर्माण करती है। विचार चीजों को अच्छा बनाते हैं और बुरा भी बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थे स्वामी विवेकानंद के कुछ कीमती और जरूरी विचार, जिन्हें आप अपने जीवन में उतारने की जरूर कोशिश करें, जिससे आपके जीवन में एक नया परिवर्तन जरूर आएगा और आप सफलता के रास्तों पर बिना रुकावट चल सकेंगे। दूर अज्ञान की हो अंधेरी।
Vivekananda.
I, Ajita Abraham Singh, the secretary of Mozart Club. And I, secretary of Innovation Club, Rachita Alimastana. Extend you a warm welcome. You cannot believe in God until you believe in yourself. This is a famous quote by Swami Vivekananda. Swami Vivekananda was one of India's leading social reformers in the modern era and a champion of humanitarianism. He believed service to mankind is the service to God. His ringing words galvanized the slumbering people, not only of India, but also abroad. To cherish his visions and ideas, today we are observing his 159th birth anniversary. To mark the occasion, various competitions have been planned for the students, which includes speech competition for the students of class 3 to 5 and quiz competition from class 6 onwards. Several other competitions, such as Idea Generation Contest and Communal Innovation Program and many more, were planned, which are postponed to further dates when the school will reopen physically. We hope for the day to come soon when we will be physically attending the observation. At last, I just want to say that arise, awake, and stop not until the goal is reached. With this, I want to thank every one of you for granting your valuable time. Happy National Youth Day. Now I request Honorable Principal Ma'am to kindly address the virtual gathering. Good morning to all the parents and the students who are watching the online platform. For the last 2 years, we have not been able to observe this National Youth Day physically because of this pandemic. So now also, we are observing it virtually but with the same spirit. Dear students, India is proud to have a very young demographic. So you are the future citizens, and if you can, you can lead your country to greater heights. Dear students, I would like to say a quote of Swami Vivekananda: if you believe in yourself, the world is at your feet. All of us have more strength than the weakness, but those strengths are converted into weakness when we listen to others. We don't believe ourselves. Now the moment we start believing, irrespective of what people tell around us about us, then you will see, you will find a sea change in you. You will get a lot of confidence and you will have the courage to do extraordinary things. So dear students, wherever you are, in whichever position you are, please believe in yourself, irrespective of what your parents, your teachers, your friends tell about you. Now the moment you stop believing, you are having a negative gathering around you. So whatever may be the situation, good times and bad times will come and will go. But if you are mentally strong, then you can overcome any challenges. And the more confident you are, and the more self-belief you have, and the more positive belief you have, you will see success will touch at your feet. You do not have to run at the success. You do not have to chase your goals. Just believe in yourself and put your best effort. Don't think what others will think about you. Do what your conscience is and what you believe in. Second thing is that, never forget to take risks. When we take risk, there are two options. Either there is failure or there is success. Either we win or we lose. If you win, you will succeed. But if you lose, you will guide somebody. Because you have learned something from your mistake, and that will help you to guide somebody who is on the wrong side. And that will also help you to recognize your weak areas and to improve upon that. So, dear students, never hesitate to take risks. Life is full of risks. If you really want to enjoy life, then take challenges, take risks in your life, and you will see the sweetness of your life, and you will see the flavor which is added to your life. With this,
Once again, I would request and pray before the Almighty, please be safe, please follow all the COVID protocols and try to maintain a healthy and safe life till we meet physically. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you everyone who is a part of this observation, all the teachers and the virtual gathering. Thank you for giving your valuable time. Once again, happy National Youth Day. It's good. So, swasthya. Life for the well-being of your country. And one more